तो न्यूमेरिकल्स में कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, पर्सन थ्रोज अ बॉल एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, तो डायग्राम में समझ में आ रहा है 15 से गिरा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बोलो कितनी, जीरो, कितनी हाइट से गिरा, 490 से गिरा, और कहाँ जाके बॉल गिरी, एक्स पे बॉल गिरी, क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, कितनी देर तक बॉडी हवा में रही। तो इनिशियल देखो, आप कहेंगे सर मैंने एक काम करता हूँ फॉर्मूला याद कर लेता हूँ जो करवाया था, हाँ कर लो आप पिछले फॉर्मूला याद कर लो, बुक्स ऐसी करती हैं, बुक्स क्या कहेंगी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, कोई बात नहीं, वो ये फॉर्मूला लगा देंगी, ये वाला कहीं वाई पुट कर दो, जी पुट कर दो आंसर, मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगवाने वाला क्योंकि मुझे नहीं पता वो क्वेश्चन कब ट्विस्ट कर देगा। तो बेटर है मैं किसी फॉर्मूले से करने वाला हूँ नहीं, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन से करूँगा। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, जीरो, एक्सेलेरेशन क्या है, जी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 490, और अप्लाई करेंगे वाई के अलॉन्ग, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एस की जगह 490, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलेरेशन 9.8 और इनटू टी का स्क्वायर, सॉल्व करके टाइम आ गया, इतनी देर बॉडी हवा में रही, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फॉर्मूला अप्लाई करने की बजाय ये ज़्यादा बेटर है, फॉर्मूला दो दिन में भूल जाएगा, ये तो कभी नहीं भूलेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक। फिर इसी क्वेश्चन में क्या निकालना है, एक्स भी निकालना है, तो आपको एक्स निकालना है और एक और भी पार्ट निकालना है, कितने वेलोसिटी से बॉडी ने हिट किया। तो अगर आपको एक्स निकालना है तो आप एक्सिस क्या लेंगे, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में बॉडी की वेलोसिटी सेम रहेगी, बोलो कितनी, 15 15 15 और 15। तो एक्स एक्सिस के अंदर इक्वेशन क्या अप्लाई करते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी, एक्स वेलोसिटी कितनी है 15, और कितनी देर में बॉडी हवा में रही, 10 सेकेंड, हमने निकाल लिया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स भी आ जाएगा, कोई डाउट इसमें, तो एस इज इक्वल टू वी टी से एक्स भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को उसने हिट किया, हमने लास्ट टाइम किया था, तो मैंने क्या सिखाया था, मान लो वी वेलोसिटी से इसने हिट किया, ये डायग्राम आपने इस ग्राउंड के नीचे बनाना है, और ये डायग्राम एकदम परफेक्ट है, ये देखो बिल्कुल इसी लाइन में वी वेक्टर है, जबकि लास्ट टाइम मैं बना नहीं पा रहा था, टेढ़े मेढ़े डायग्राम बन रहे थे, तो एकदम स्केल से आता हुआ ऐसे मैंने खींच दिया। तो इतनी वेलोसिटी से बॉल ने इसको हिट किया ग्राउंड को, वी की वैल्यू निकालनी है, वी के तो कॉम्पोनेंट है एक एक्स का और एक वाई का, एक्स का कॉम्पोनेंट तो सेम ही रहेगा, 15 15 15 और 15, ये तो कभी चेंज होता ही नहीं। अगर मैं आपको वाई का कॉम्पोनेंट बता दूँ तो आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करके वी निकाल लेंगे, तो वी का फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स तो पता ही है, तो अल्टीमेटली मेरे को क्या निकालना है, वी वाई, तो वी वाई निकाल दें। वी वाई वैक्टर या वी वाई किस एक्सिस पे आपको ये वैक्टर दिख रहा है, एक्स पे कि वाई पे, वाई पे दिख रहा है ना, तो आप इक्वेशन किस एक्सिस पे लगाएंगे, वाई पे, देखो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन का एक्सिस लगेगा, तो इसका एक्सिस वी वाई निकालना है। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, y में जीरो, फाइनल वेलोसिटी क्या है, vy, तो आप लगाएं इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल vy, एक्सेलरेशन 9.8 और समय नीचे उतरने का बॉल का कितना है, 10, तो अप्लाई करें v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो vy इज जीरो क्योंकि y एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल जीरो, एक्सेलरेशन 9.8 और टाइम कितना, 10 98, तो vy की वैल्यू आ गई, vy आ गया, तो अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर और वी वाई का स्क्वायर, वी वाई की वैल्यू को उठा के पुट कर दो 98, तो ये आंसर आपके पास आ गया 99.1। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि नेट वेलोसिटी जिससे वो हिट करेगा, पर क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो साथ में क्या बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन। तो मान लो नेट वेलोसिटी ने एंगल बीटा बनाया ग्राउंड के साथ, तो टैन बीटा निकालना पड़ेगा, टैन बीटा क्या होगा, दिस अपॉन दिस, और ये कितना है, ये 90 कितना है, 98 कटा हुआ है, 98 अपॉन 15, tan बीटा 98/15, तो लिखना पड़ेगा बीटा इज tan इनवर्स 98/15 विद ग्राउंड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वेक्टर में पता नहीं कौन से आई कैप जे कैप ऐसा खेल जाएगा और मैं पता नहीं क्या कर लूंगा, कुछ नहीं होगा, ये एप्लीकेशन है वेक्टर की। वो इतना सारा वेक्टर इसलिए किया कि आपको प्रोजेक्टाइल में वेक्टर पता भी ना लगे कि वेक्टर आपने कर लिया, अब आपको पता भी नहीं लग रहा कि पैरेललोग्राम से कब आपने रिजल्टेंट निकाल दिया। अगर 15 क्वेश्चन किए होते तो यहाँ वेक्टर खोल के बैठ जाते हैं कि सर बताना ये वी वेक्टर कैसे आ रहा है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कि वेक्टर की प्रैक्टिस क्यों की जाती है इसमें, बस इतना कि वेक्टर यूज होता रहेगा, इस लेवल पे काम चलता है वेक्टर पे, बस हमने ज़्यादा किया है।
तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो क्या आंसर है, क्लियर है यहां तक? ठीक, तो जैसे ये क्वेश्चन आपने करना है, आपको इसमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट एक्स और वीसीएम क्वेश्चन है। तो हमने ये क्वेश्चन ऐसे लास्ट टाइम भी किए, अभी सेम क्वेश्चन किया भी। तो ये मान लो एक्स है और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ऐसे केस में क्या ली जाती है, जीरो। तो वाई एक्सिस के अलोंग अगर आप इक्वेशन लगाएं तो वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जीरो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू y एक्सिस में कितने डिस्टेंस है 980, एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आप अप्लाई कर दें, s इज ut हाफ 80 स्क्वायर, s की जगह 980 इज इक्वल टू जीरो हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर, टाइम कितना आ रहा है सॉल्व करके 10। तो एक आंसर आ गया 10, अच्छा 10√2, ओके 10√2। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, तो टाइम की वैल्यू आ गई, कोई डाउट इसमें? अब इसमें आपको x भी निकालना है, अगर आपको x निकालना है तो एक्सिस x रखना पड़ेगा, x एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट है और कितनी है 98 है। तो आप अप्लाई करें x इज इक्वल टू v इंटू टी और t आपको पता है आंसर, ये पॉइंट भी क्लियर है? तो x की वैल्यू आ गई, क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, लास्ट में आपको वैल्यू निकालनी है नेट वेलोसिटी की। तो नेट वेलोसिटी ये रही, इसके दो कंपोनेंट हैं vx एंड vy। vx की वैल्यू तो सेम रहेगी कितनी 98, बस आपको क्या निकालना है vy। तो आप इसमें y एक्सिस में अप्लाई करें vy इज 0 प्लस 9.8 इंटू 10√2। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी vy, इनिशियल वेलोसिटी 0, y एक्सिस में एक्सलेशन 9.8 और टाइम। तो नेट वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो vx पता है, vy पता है, इन दोनों को यहां पुट करके v की वैल्यू जो भी आंसर आएगा आप निकाल लेना, सिर्फ मेथड्स चेक करो, यहां पर मेथड समझ में आ रहा है क्या मेथड है, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो पिछला ही क्वेश्चन था, बस एक प्रैक्टिस है कि कैसे अप्लाई करने हैं, फॉर्मूला समझ में आ रहा है और ये देख पा रहे हो कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में कैसे ये सेम रहेगा। ठीक है, फिर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है दूसरे बैच में मेरे से, देखो लॉजिक है, वो आराम से बैठ के सोच रहा था प्रैक्टिकली, उसे पेन गिर करके देखा, वो कहता देखो सर जब आप किसी भी पेन को ऐसे ड्रॉप करते हो 490 मीटर से तो कितने समय में नीचे गिरती है? मैंने कहा ऐसे 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, टाइम निकाल ले। फिर वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप टॉप ऑफ द टावर से उठा के किसी बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट करो, क्योंकि वो वाई में भी आ रही है और क्योंकि वो एक्स में भी आ रही है। तो फिर कहता जी तो बहुत दूर जाके गिर सकती है, तो टाइम सेम कैसे हो सकता है? आपके माइंड में तो नहीं आ रहा कि क्लियर है कि सेम टाइम है? आया माइंड में अभी? अच्छा, मेरे कहने पे आ गया तो मेरे कहने पे आया कि भाई ऐसे कैसे हो गया, वो गिर रही है 10 मीटर जाके और ये बिल्कुल सीधी गिर रही है, तो ये तो कम टाइम में आएगी ना, वो तो ज़्यादा टाइम में आएगी, और एयर गिर जिसने तो लेनी नहीं है, वो तो हमको बताई दिया है, वो सेम टाइम में आएगी, वो लग रहा है आपको। क्योंकि जब आप वाई एक्सिस में इक्वेशन अप्लाई करते हैं इस केस में, तो वाई एक्सिस की जर्नी तो अंडर ग्रेविटी ही हो रही है, उसमें तो आपने कोई इक्वेशन चेंज की नहीं,
वो भी तो आप एस इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा रहे हैं, और वो जो ड्रॉप करेगा वो भी तो सेम लगाएगा जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। या तो बताओ मैथमेटिकली इसमें इक्वेशन चेंज करूंगा, मैं प्रूव भी करूँ कि हाँ टाइम डिफरेंट आएगा, तो अगर डिफरेंट आएगा तो ये तो पूरी थ्योरी चेंज करनी पड़ जाएगी। तो एस इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वो लगता है। मैंने ये भी कहा तुम बिल्डिंग पर जाके ना पेन को गिर के देख लेना, एक बार पेन ऐसे ही गिरना एक बार ऐसे ही गिरना, फर्क ये है कि वो सेम टाइम में थोड़ा एक्स डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और वो सेम टाइम में एक्स नहीं कवर कर रहा, इतना सा ही फर्क है, लेकिन अंडर ग्रेविटी का इफेक्ट दोनों पे एग्जैक्टली सेम है, लगेगा लेकिन होगा नहीं, टाइम सेम ही होगा। ठीक है यहाँ तक? चलो एक क्वेश्चन आया तो मैंने कहा शायद घर जाके आपके भी माइंड में आ जाए, बता दूँ आंसर सेम रहेगा। फिर उसके बाद ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टल फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, ये फेंक दी एंड स्ट्राइक्स दी ग्राउंड 3 सेकेंड। चलो ठीक है, 3 सेकेंड पे बॉल हिट करती है, समझ में आ गई बात। नॉर्मली हमें हाइट गिवन होती है, टाइम पूछता है, ये उल्टा कर रहा है, टाइम दे रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट दे रहा है और हाइट पूछ लेगा, कोई बात नहीं, क्या इक्वेशन तो सेम ही लगेगी। तो वो क्या कह रहा है, 3 सेकेंड में गिरता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल। अब लोग नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं बता देता हूँ, कॉमन मिस्टेक है, वो ये एंगल ले लेंगे 45, क्योंकि मैंने पूछा क्यों, वो कहते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ग्राउंड के साथ गिरते हुए बॉल ने एंगल क्या बनाया 45। रूल नंबर वन, भाई ये पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है, कर्व लाइन है, ये कर्व के एंगल कब से बनने लगे, टेढ़ी लाइनों के एंगल थोड़ा बनते हैं, तो ये एंगल 45 नहीं है, पहले तो ये समझ लो। तो फिर क्या एंगल 45 है, जिस वेलोसिटी ने उसको हिट किया उस वेलोसिटी का एंगल 45 है। तो वो कह रहे हैं कि एंगल ऑफ 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल का मतलब बॉल ने यहाँ कहीं हिट किया इसे, और कितनी नेट वेलोसिटी से हिट किया, इतनी नेट वेलोसिटी से हिट किया। तो ग्राउंड के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ ये वेलोसिटी का एंगल 45 है, तो ये एंगल ये नहीं बनेगा, एंगल ये बनेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो जब भी वो कहेगा कि ग्राउंड को हिट किया एट एन एंगल ऑफ 45, तो प्लीज़ ये मत ड्रॉ करना, वेलोसिटी वेक्टर का एंगल 45 ड्रॉ करना। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो पहला पॉइंट क्लियर है, तो ये 45 ड्रॉ करना, वेलोसिटी वेक्टर ने हिट किया एट एन एंगल ऑफ 45, इसका मतलब ये है। अब वो कह रहा है ये बता दो हाइट बताओ और यू बताओ क्या होगा इस बॉडी का। देखो यू तो मैं एक मिनट में निकाल दूंगा, कैसे, अगर मैं इतने से डायग्राम को देखूं, तो देखो इतने से डायग्राम में इसकी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी यू 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 और यू तो सेम ही रहेगी, और एक वर्टिकल वेलोसिटी होगी वी वाई। और अगर मैं इसका पैरेललोग्राम ड्रॉ करूं तो टैन 45 क्या होगा, वी वाई डिवाइडेड बाय यू। तो टैन 45 वन होता है, तो यानी कि वी वाई और यू एक ही बात है। इस क्वेश्चन में टैन 45 की वजह से जो वी वाई की वैल्यू आएगी वही यू की वैल्यू होगी। तो अगर मैं आपको वी वाई निकाल दूं तो समझो किसका आंसर आ गया, यू का आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें? अगर वी वाई निकालते तो यू आ गया, वी वाई निकालना आपको आता है कैसे, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, एक्सेलेरेशन क्या है 9.8, नीचे की वेलोसिटी क्या है वी वाई। तो अप्लाई करो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो वी वाई इज 0 प्लस 9.8 इंटू टाइम 3। सॉल्व करके क्या आ गया, वी वाई जो वी वाई आएगा वही यहां पर क्या मार्क करना है, यू मार्क कर देना है। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप समझ में आ रहे हैं यहां तक? कोई डाउट? तो ये वैल्यू आ गई। अब वो पूछ रहा हाइट बता दो, हाँ तो हाइट निकाल लो, हाइट किस एक्सिस में है, एक्स में है कि वाई में है? अच्छा आप सोचते भी हो इसमें हाइट ऑफ टावर, मतलब आपको लगता है कि ग्राउंड पे भी हाइट ऑफ टावर होती है, टावर ऐसे भी लेटे होते हैं, कैसे होती है, ऐसे होते हैं, वाई एक्सिस है। तो हाइट ऑफ द टावर यानी कि डिस्प्लेसमेंट किस में निकालनी है, वाई में। तो वाई एक्सिस में अप्लाई कर दो ना, एस इज यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एस यानी कि एच निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलेरेशन 9.8 है और टाइम 3 है। आंसर सही है? तो एक चीज नोट की आपने, जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए इसमें वाई में एक ही क्वेश्चन तो पक्की यूज होनी है, ये वाली 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और एक और इक्वेशन यूज होनी है वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। एक्स की तो टेंशन है ही नहीं मेरे को, एक्स में तो हमेशा एस इक्वल टू वी टी यूज होनी है, तो बात ही खत्म है, बस इसका प्रोजेक्टाइल बना हुआ है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अगर बाई चांस पूछा नहीं है, अगर वो एक्स भी पूछ लेता तो एक्स का मतलब एक्स इज एक्स है, एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू 3, वेलोसिटी क्योंकि हम निकाल चुके हैं यहाँ से यू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी टर्न। कोई डाउट इसमें? तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या क्वेश्चन है इसमें? ठीक है, जैसे
बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ द क्लिफ विद अ वेलोसिटी ऑफ 9.8. तो आपने टॉप ऑफ द टावर से 9.8 से बॉडी को फेंक दिया. वॉट टाइम इलैप्सेस, क्या निकालना है? टाइम, किस समय पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटीज बिकम इक्वल. रास्ते में एक ऐसा टाइम आएगा जब एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू बराबर होगी ना. 45 नहीं होगी, ठीक, एंगल 45 होगा, उसे टाइम पूछा लेकिन, ठीक. तो कह रहे हैं वो टाइम बताओ कब होगा. तो एक काम करते हैं, अगर आपने एक बॉल को 9.8 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया ऐसे और उसको तो नीचे जाना है, तो मान लो ये वो टाइम है जब एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो कि सेम है 9.8 और वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वी वाई, ये दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है. मान लो ये वो टाइम है, तो यहां पे आने में टाइम क्या लगा उसे? टी. तो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है कितना? 9.8. वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी निकाल लो ना, यहां और यहां अप्लाई करो, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो वी वाई इज 0 प्लस 9.8 और यहां से यहां आने में समय कितना लगा? टी. ये रहा, तो ये वी वाई आ गया, ये वी एक्स आ गया, दोनों को इक्वेट करके किसकी वैल्यू आ गई? टाइम की वैल्यू आ गई. आंसर 1 सेकेंड. तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं, लॉजिक समझ में आ रहे हैं. इधर से वी एक्स निकाल लो, इधर से वी वाई निकाल लो, दोनों को इक्वेट कर दो, टाइम आ गया. कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है ये क्वेश्चन ना, कम से कम 4 बार आएगा. मेरी रिक्वेस्ट है एक बार सीख लो प्लीज, ऐसे मत करना. मैंने एक क्वेश्चन कराया था वेक्टर में, फाइंड कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर और आई कैप प्लस जे कैप. कम से कम 4-5 बार तो आया होगा असाइनमेंट में घूम घूम के, और स्टूडेंट का टेस्ट में फिर भी ठीक नहीं. और मज़े की बात, टेस्ट देने के बाद भी स्टूडेंट मेरे से डाउट पूछता है, सर कॉम्पोनेंट कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन है, दो टॉल बिल्डिंग्स हैं आमने सामने हैं, ये दो बिल्डिंग्स हैं. इस बिल्डिंग के अंदर वो कह रहा है विद व्हाट वेलोसिटी अ बॉल बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ विंडो 55 मीटर अबव द ग्राउंड. कोई बंदा यहाँ पर बैठा है इस विंडो के यहाँ, इस बिल्डिंग में 55 मीटर हाइट पर बैठा है, वो क्या चाहता है? उठा के बॉल सीधा फेंक दूँ. तो क्वेश्चन है बताओ कितनी वेलोसिटी से बॉल को सीधा फेंके हॉरिजॉन्टल, ताकि बॉल हवा में पैराबोला करते 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 दूसरी विंडो में जाके एंटर कर जाए. और ये बिल्डिंग कितनी, ये विंडो कितनी हाइट पर है? 10.9 पे है. तो क्वेश्चन समझ में आ गया. और दो बिल्डिंग के बीच दूरी कितनी है? 180 मीटर डिस्टेंस है, राइट. मुझे बस ये बताओ कि ये पाथ समझ में आ रहा है? अब कोई स्टूडेंट आया, वो कहता कि बॉल को यार ऐसे क्यों फेंकूंगा, मतलब मैं एंगल बना के ऐसे फेंकूंगा, पर उसने क्या मेंशन किया? हाँ, तो तुमने सीधा ही फेंकना है, अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना कि हम तो ऐसे ही फेंक देंगे सीधा. फेंकेंगे तो सीधा ही, टेढ़ा ही फेंकेंगे, लेकिन आपने इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल लेना है. तो आपकी जो बॉल की जर्नी है वो यहाँ से यहाँ ख़त्म हो जाती है,
तो बॉल ने वाई एक्सिस में दूरी क्या कवर की यहां से यहां वाई में, 55 में से 10.9 माइनस करो 44.1, तो बॉल ने 44.1 हाइट कवर की अंडर ग्रेविटी जब तक वो हवा में है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, 180। अब ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन बन गया, बिल्डिंग को छोड़ो, बस ये देखो ये एक विंडो, यू आपको निकालना है, हाइट कितनी लेनी है 44.1, दूसरी विंडो और ये डायग्राम है ये 180। ये तो पुराना क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है कि एक बॉल यहाँ से यहाँ जाती है, हाइट 44.1 है और डिस्टेंस 180 है, यू निकालना है, तो निकाल लो यू। जब आपको हाइट गिवन है तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बॉल की क्या ली जाएगी, जीरो, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या ली जाएगी 44.1, एक्सेलेशन पता है एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में 44.1, जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर टाइम आ गया, 3 सेकेंड में बॉल पहुंच जाएगी वहां पे, तो 3 सेकेंड में बॉल पहुंच गई। तो एक्स एक्सिस में अगर इक्वेशन लगानी है तो एक्स में इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी टी, एस की जगह 180, वेलोसिटी हमने निकालनी है यू, और 3 सेकेंड में पहुंची, तो यू की वैल्यू कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कि 60 मीटर पर सेकेंड से बॉल को प्रोजेक्ट किया जाएगा तो जाके वो वहाँ पे पहुँचेगी। तो आइडिया समझ में आया कैसे इसको करना है, इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देखें प्लीज। On a flood relief mission flying horizontally with a speed of u at an altitude h, तो एक हेलीकॉप्टर है, h हाइट है, has to drop a food packet for a victim standing on the ground, तो ग्राउंड पे एक विक्टम खड़े है, इसको फूड पैकेट को ड्रॉप करना है, तो हेलीकॉप्टर u स्पीड से चल रहा था और जाते जाते ड्रॉप कर गया, तो फूड पैकेट की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल u, फूड पैकेट पैराबोलिक पाथ कवर कर गया, और हाइट ऑल्टीट्यूड कितना है हेलीकॉप्टर का एच, तो कह रहे एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टम फूड पैकेट को ड्रॉप किया। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है, कैसे कन्फ्यूजन है, हेलीकॉप्टर से यहाँ फूड पैकेट ड्रॉप हो गया, विक्टम कहाँ पर खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, तो पूछेगा कितनी दूरी पे पैकेट को ड्रॉप किया गया। अब कई किताबें कई ऑथर क्या करते हैं, वो एक्स निकाल देते हैं, इतनी दूरी पे ग्राउंड से इतनी दूरी पे, बस हो गया काम खत्म। कई कहते हैं ना ना हेलीकॉप्टर से दूरी पे फूड पैकेट तो यहाँ से गिरा था, तो फिर वो एच और एक्स का अंडर रूट लेके डी निकालते हैं। अब ये मत पूछो तुमने क्या करना है पेपर में, क्योंकि तुम भी तो यहीं फंसोगे, तुम्हें एक्स निकालना है या डी निकालना है तुम मेरे से पूछोगे, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम अगर सब्जेक्टिव पेपर आ गया स्कूल में फिर एक्स तो निकालना ही निकालना है, एक स्टेप एक्स्ट्रा करके डी भी निकाल आना, तो चेक करता रहेगा जिसे चेक करना है, जो चाहिए होगा निकाल लेगा। और अगर ऑब्जेक्टिव हुआ, ऑब्जेक्टिव में पहले एक्स निकाल लेना ऑप्शन हुआ था ठीक है, या पढ़ लेना, उसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है नहीं आया आंसर, तो फिर तो पक्का डी ही निकालना है, और कोई तरीका ही नहीं है। वैसे बुक्स नॉर्मली क्या करती हैं बता देता हूँ, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ज़्यादा ऑथर बुक के क्या करते हैं, एक्स निकालते हैं, एक्स निकालते हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस से पूछो कि ज़्यादातर क्या लोग करते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन तो है ही, वो एक्स निकालते हैं, पर मेरा मानना है एक्स और डी दोनों निकाल देना चाहिए, राइट, क्लियर है। तो इसके अंदर पहले एक काम करते हैं, एच तो गिवन ही है, तो वाई एक्सिस में वही स्टैंडर्ड इक्वेशन, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, एच इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से टाइम आ गया, एक्स एक्सिस के अंदर डिस्टेंस अगर निकालना है तो एक्स इज वी टी यू इन टू टी, टाइम ऊपर से नीचे पुट कर दिया, यू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एस में, तो एक्स आ गया, एक्स यहाँ तक ऑप्शन आ गया ठीक है, नहीं आया तो फिर डी निकाल देना, डी का मतलब क्या, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आपको एक्स को यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, तब जाके डी की वैल्यू आएगी।